अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज आपसे एक बात साझी करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं ना पिछले कम से कम भी काफ़ी सालों से ये काम करूँ, मतलब 30-32 साल हो गए मेरे को काम करते हैं नहरों के ऊपर ही। तकरीबन मैं और मेरी टीम, मेरी गोताखोर टीम है, जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जाती हैं मेरी टीमें और काम करके आती हैं। और मैं आज ये आपसे वीडियो इसलिए साझा कर रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। पिछले मैं 15-20 दिनों से देख रहा हूँ, कोई मेरे ख्याल शायद कोई पंजाब के अंदर या कोई महामारी फैल रही है जो गऊओं के अंदर पाई जा रही है, जिससे गऊ बहुत ज़्यादा मर रही हैं और काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं ये आपसे बात साझी क्यों कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे मैं नहरों के ऊपर चल रहा, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ नहरों के किनारे गड्ढा कर रहे हैं, उनको गऊओं को उठा के मिट्टी के अंदर दाब रहे हैं, और कुछ लोग नहरों के किनारे उन गऊओं को घेर के जा रहे हैं। मैंने अलग अलग शहरों में, कई प्लाटों में बहुत जगह देखी है, खत्ते पे, कूड़े में बहुत गऊँ बड़ी पड़ी है। लेकिन मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के बहुत अपील है, विनती है आपसे, मेरे जितने भी मेरे किसान भाई हैं जिन्होंने गऊँ रखी हैं, जितने भी मेरे और भाई हैं किसान से अलग भी जो मेरे भाई हैं जिन्होंने अपनी गऊँ पाल रखी है और उनकी गऊँ बीमार हो के किसी बीमारी कारण मर रही हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन गऊँ को नहर के अंदर मत घेरे। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस टाइम भी यहाँ पे 10 से 12 गऊँ नहरों के अंदर पड़ी हुई है इस जगह पे यहाँ पे, और पीछे में जहाँ से आ रहा गऊँ ही गऊँ पड़ी हैं, और जहाँ तक मैं आगे जा रहा हूँ नहरों के अंदर, जितने भी पुल, साइफन, अंडरग्राउंड नहरें हैं, सब जगह गऊँ ही गऊँ भरी पड़ी है। मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा नहीं सकता, पर गऊँ इतनी पड़ी है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपको यकीन नहीं, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको नहरों पर दिखाता हूँ कितनी गऊँ नहरों के ऊपर मरी पड़ी हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, ये पानी पीने के लिए जाता है, इसको पानी को पूरा हिंदुस्तान तकरीबन पीता है, वैसे ज़्यादा अगर इसको दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तो सबसे ज़्यादा इस पानी का इस्तेमाल करता है। तो ये जो गऊँ बह के आ रही हैं, ज़्यादा अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पंजाब से ज़्यादा आ रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये गऊँ पंजाब से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैं 5-6, 10 या 15 दिन से नहरों के ऊपर जो हम डेड बॉडियाँ ढूंढ रहे हैं हमारे गोताखोर में भी, तो सबसे ज़्यादा जो हैं गऊँ हमें मिल रही हैं। तो शायद मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी और आप इस बात को समझोगे। तो ये बीमारी रब ना करे इंसानों तक फैल जाए, ये महामारी कहीं और ना फैल जाए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर अपील कर रहा हूँ कि गऊँ जो भी हैं, कोई पशु बीमार है या कोई जानवर, उसको नहरों के अंदर मत फेंकें। नहरों के अंदर इतनी सड़न मची पड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है हमारा, और ठीक है, वहाँ पर जाओ, डिस्क्रिप्शन के अंदर से हमारा नंबर निकालो और देखो। मैं आप सबको व्हाट्सएप पर ये सारी फ़ोटोएँ डाल देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पर आपको ये फ़ोटो डाल देता हूँ। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के अपील है, इस तरह का काम मत करें, इन गऊओं को नहरों के अंदर मत फेंकें, क्योंकि ना ये सारा पानी लोग, समाज, हम सब पीते हैं इस पानी को, और ये पानी सिंचाई के लिए जा रहा है। तो बस मेरी आज यही आपसे हाथ जोड़ के विनती थी, अगर जाने अनजाने में मैंने आपसे कोई गलत बात कह दी और मैंने आपका दिल दुखा दिया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद।